नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसडी फिर से स्पूफ मूव की तरफ से। पिछले एपिसोड में आपने तो शायद कुछ सीखा होगा कि स्मार्टफोन्स के वजह से आम लोगों के जीवन में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। आज के एपिसोड में मैं स्टूडियो में बैठा हूं आप सबके चहेते सुपर हीरो बैटमैन के साथ। हेलो मिस्टर बैटमैन, स्टूडियो में आपका स्वागत है। स्टूडियो आते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हुआ है ना? प्रॉब्लम का उठता है, उठता हुआ चला गया। पर उड़ने का काम तो स्पाइडरमैन का है, आप कैसे? का है? उसका कोई पंख है क्या वो जो उड़ सकता है? मैं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है वो तो स्पाइडरमैन है। हाँ तो का हुआ, वो स्पाइडर होकर भी मैन हो सकता है और मैं काहे नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर जनता को बताइए कि आप बैटमैन कैसे बने और बैटमैन बनकर आपको कैसा लग रहा है? बचपन में अपन बहुत खतरनाक बोले तो बदमाश था, रस्ते में आते जाते लोगों का लुंगी खोल देता था अपुन। एक दिन का हुआ, मेरा बाप जा रहा था और मुझे पता नहीं था कि वो अपुन के बाप है, तो मैंने क्या किया, अपुन के बाप को लुंगी खोल दिया। Oh, no. फिर मेरा बाप घूम के देखा कि अपुन खड़ा था और मुझे घर ले जाकर बहुत पीटा ससुरा ने, और हाथ से नहीं खेलने वाला एमआरएफ का बैट से पीटा, बहुत ही पीटा। तब से ससुरा हमारा नाम बैटमैन हो गया। और हाँ भाई, बैटमैन बनके तो बड़ा ही मजा आता है अपुन को। अच्छा तो आप पुलिस का भी मदद करते हो? पुलिस का बकते हो भाई, पुलिस अपुन का मदद करता है। जब भी मैं चोरी करता हूँ, पकड़ा जाता हूँ, पुलिस मुझे छोड़ देते हैं। पर सबको तो पता है कि बैटमैन सबका मदद करता है, इसलिए तो आप सुपर हीरो है। अरे भाई वो इंग्लिश फिल्म में होता है, मैं तो सीधा साधा बैटमैन हूँ भाई। आप रोज उठकर सबसे पहले क्या करते हो? मैं रोज उठकर फिर से सो जाता हूँ। क्या आपने कभी किसी का कोई मदद किया है? हाँ किया है ना, जो लोग दारू पीकर टल्ली हो जाते हैं उनको उनके घर पर छोड़ आता हूँ और वो अपने लॉकेट का चाबी मुझ पर छोड़ जाते हैं। तो मिस्टर बैटमैन ये बताइए कि आपकी कितने भाई हैं? दो भाई, मैं और रॉबिन। वो बैटमैन वाला रॉबिन? अरे नहीं बाबुआ, रॉबिन मतलब रॉबिन हुड पांडे, नाम तो सुना ही होगा। वो पुलिस है और मैं चोर, मैं जब चोरी करता हूँ वही तो मुझे बचाता है। अच्छा सुना है कि आपने अभी तक शादी नहीं किया है? नहीं। पर क्यों? क्योंकि लड़की लोग डर के मारे भाग जाते हैं। ऐसा क्यों? मैंने तो सुना लड़कियां सुपर हीरो पर मरते हैं। तुम का बुर्वक हो। Oh, no. मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो इंग्लिश फिल्म में होता है, लड़कियां अंग्रेजी बोलने वाले आदमी पर वैसे भी इम्प्रेस हो जाते हैं, उसके ऊपर वो ठहरा सुपर हीरो। धन्यवाद मिस्टर बैटमैन आपका कीमती वक्त इस चैनल पर देने के लिए। हाँ धन्यवाद। क्या आप जाने से पहले हमारे जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ सुनिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपन है बैटमैन नकली सुपर हीरो, और जो मूवीज में है वो भी नकली है, पर असली सुपर हीरो वो है जो सच्ची में सबका मदद करता है। वो फाइटिंग वाला मदद नहीं, बेचारे बूढ़े आदमी या औरत का मदद करना, इंसानों को इंसानों जैसा व्यवहार करना, गरीब लोगों की मदद करना, अंधे या अपाहिज लोगों का सहारा बनना ही असली सुपर हीरो का पहचान है। मैं तो करता हूँ चोरी, फिर भी लोग मुझे सुपर हीरो कहते हैं, क्योंकि उन चोरी की पैसों से गरीब या बेबस लोगों की मैं मदद करता हूँ। लोगों की पहचान में ही तुम्हारा अपना पहचान है, बस उसे ढूंढ निकालो। धन्यवाद। तो दोस्तों ये था आप सबका फेवरेट सुपर हीरो बैटमैन। उम्मीद है आप सबको आज का एपिसोड अच्छा लगा और अब से बैटमैन की राहों पर चलेंगे। बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ कि मूवीज में दिखाए गए बैटमैन का सब स्टंट एक्सपर्ट्स और वीएफएक्स द्वारा किया गया है। उस मूवी में दिखाए गए कोई भी स्टंट्स घर पर कोशिश मत करना, क्योंकि वो जानलेवा भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आगे की अपडेट्स और चटपटा न्यूज जानने के लिए सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन के नीचे राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और उसके बाद बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा। मैं हूँ एसडी स्पूफ मूव की तरफ से।
Thank you.